नॉइस गुदर से वन तो नवंबर मन मैकडम शीन पे पेवान इन कोर तम सरपंच पे गाम बरदारी तमन कोर दुकान वो त्रो मैकडम कह तुम त्रो आंदि मैकडम जुस मे इन आज अड़ेन प्रमोशन गाजन अड़ेन कहमत यमो कोर जार पा दिलना बुत मैकडम नो तुम रटो अस वन आमन एस्टिमेट लग भग पंच शेट गाड़ि त्रावि तमो हरदे ए डबल ई मंजूर अहमद तम देट गाड़ि नये त्रावि तमिस गई दफ्तर तमिस आज गई प्रमोशन सह बनो एक्जन योर आव तन पे कहें यथ वन दपान करो पैची योत यम डीसी सब तरह ईमानदार डीसी सबन कर असल काम डिस्ट्रिक खातर यम गाम खातर अवान हर साथ ये इस्तेमाल करना तुम वो रोड हालात क्या वनकें अनान मैकडम दपान करो पैची ये दुब तथी करो अगर कुछ जाए प्रोन आज वो पंदह दिन मन वो सहल ये वन अगर अस मैकडम त्रम त्रेन फुल अगर ना त्रेन तेल कर तहकीकत तुम वो हरद कत पे कमो पास सू मैकडम पिछले सर जब इन लोगों ने नवंबर के आखिरी हफ्ते में मैकडम डाला था वो भी रात रात की बारिश हो रही थी सर, जब डीसी साहब के नोटिस में ये बात हमने लाए तो उसने एक्शन उसी टाइम ली। हम यही मकसद मुद्दा के लिए यहाँ खड़े हुए हैं कि ये मैंने अभी अभी इनके एक्जन साहब के साथ बात की। इस जो ये मैकडम था एक महीना भी नहीं निकला था, जब इन लोगों ने वादा किया था कि हम दोबारा डालेंगे, आज जब इनके एक्जन साहब के साथ मैंने बात की तो वो कह रहे हैं कि हम इसको दजिया डाल देंगे, पेचिंग करेंगे। पेचिंग का मकसद कि जहाँ जहाँ पे या थोड़ा सा खड़ा हुआ है वहीं वहीं डालेंगे। मगर हम हमारी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि जब इसके सरकार आगे से फंड्स दे रही है, एलजी साहब का खुद काल कुलगाम कह रहे थे कि फंड की कोई कमी नहीं है, जब फंड की कोई कमी नहीं है तो हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है। यही रिक्वेस्ट करें एलजी गवर्नमेंट से, डीसी साहब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। देखिए ये जो पहलू से लाइसू गुदर रोड है इसकी लेंथ जो हमारी है 14 किलोमीटर है। 14 किलोमीटर में मैक्सिमम पोर्शन जो है जो विजुअल ऑब्जर्वेशन है इसकी जो सर्विस है बिल्कुल ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है बिल्टअप एरिया में, थोड़ा सा ये डैमेज तो हुआ है, तो हमने कंट्रैक्टर तो जो कि 2021 में इसका मैकडम कंप्लीट हो चुका है पूरे 14 किलोमीटर का, तो अब हम इसको मेंटेनेंस के लिए आए हैं। जहां पे भी पैच होगा चाहे वो 20 मीटर का हो 30 मीटर का हो, छोटा पैच हो बड़ा पैच हो, हम पूरे 14 किलोमीटर आवाम ठीक करके देंगे। ऐसा हमारे पास इसमें कोई प्रोविजन है ही नहीं, दिस इज जस्ट मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस के लिए हम यहाँ है। आप सुनिए मेरी बात, मशीनरी हमने लाई लेकिन लोगों ने काम करने नहीं दिया, बट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हमने एसडीएम साहब को भी फ़ोन किया, उन्होंने भी अच्छा रेस्पॉन्स दिया, वो तहसीलदार साहब को भेज रहे हैं, वो लोगों के साथ बात करेंगे। अगर हमें डिपार्टमेंट की तरफ से कोई दूसरा अलाटमेंट कुछ और आ जाएगा तो वी विल डू दैट, वी आर जस्ट एग्जीक्यूटिंग एजेंसी। बाकी जो भी सरफेस ख़राब है हम ठीक करके देंगे, लेकिन अंडर मेंटेनेंस, इसमें कोई अलाटमेंट नहीं है।